लॉरेंस की धमकी के बाद सलमान खान की बड़ी सुरक्षा। आखिर क्यों और किस लिए मारना चाहता है लॉरेंस गैंग सलमान खान को? गैंगस्टर लॉरेंस के विस्फोटक इंटरव्यू का वो हिस्सा भी आपको दिखाते हैं जिसमें लॉरेंस ने सलमान खान के बारे में वो अपनी बातें रख रहा है। सुनिए लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी है और सलमान खान उसके टारगेट पर आखिर क्यों है। सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका? नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहाँ पे जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जब मैंने कहा था वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था मैं स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरा कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर, हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी, 20-25 साल केस चला इनके ऊपर, हमारे अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते, तो इन्होंने वहाँ जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ आके इन्होंने शिकार किया, तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे, इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर, कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी, मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम, मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी, मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था, मैं तो उस टाइम ये सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये, तो और नाम नहीं भेजी सर। हमको देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे, अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर, हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से, और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब, सिर्फ हिरण के शिकार को लेकर गुस्सा? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर, वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांग। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी? यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं हुई ना जैसे आप बोल रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर, मैं कोई अपने कम्युनिटी को बड़ा नेता को ना जानता हूँ ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर खतरा नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे, हमारे गुरु जी थे गुरु जम्बेश्वर भगवान सर, हम हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे, तो हम बहुत मानते हैं उनको, मैं जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहाँ शिकार किए, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है, क्योंकि आम लोग इससे बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के, हम चाहते थे एक बार उस चीज को पब्लिकली माफी मांग ले, हम कोई केस पूछ का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके, खुद ही इस चीज ने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया, केस लड़के ये तभी माफी मांग लेता शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध उसके? वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है, किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा, अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे, एक मकसद है सर उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं, बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता, अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड आओगे जू बीच पे वहाँ किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद, वैसी कोई बात नहीं है, किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा, और अगर आप सोचते हो हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत बेचारे, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है, या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज को अपोलोजाइज करे, माफी मांगे। अच्छा ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे? लेकिन नहीं सर कर नहीं रहे, तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। अजी कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा
कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं। किसी का टच में नहीं हूँ अपनी कम्युनिटी का, कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ और मैं किसी का टच में नहीं हूँ, कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के और ना कोई मैं ऐसे कोई बात हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव भारत।